तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो सेटअप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सेटअप में रहेगा दो टॉप और दो बेस, और जो बेस रहेगा 1500 वाट में रहेगा, जो टॉप रहेगा 1000 वाट का रहेगा। ठीक है, एम्पलीफायर एक 5000 वाट का रहने वाला है। पूरा सेटअप का डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो किसी एक सर ने काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि पी ऑडियो के GST 1500 बेस को लेकर एक वीडियो लेकर आइए। तो इस वीडियो में पी ऑडियो का 1500 वाट का जो GST सीरीज का स्पीकर है उसके साथ बेस रहेगा। तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट में वही स्पीकर देख लेते हैं बेस के लिए। यह है स्पीकर पी ऑडियो का, पी ऑडियो GST 1800 जो कि एक 18 इंच में 1500 वाट का बेस है, पी ऑडियो की तरफ से आता है। इसका अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो स्पीकर का डायामीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 18 इंची। पावर रेटिंग की बात करूँ तो 1500 वाट AES पावर है। अगर RMS पावर की बात करें तो लगभग 1200 वाट के करीब करीब होता है। इम्पीडेंस आपको 8 ओम्स का मिलता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 30 हर्ट्ज़ से 1000 हर्ट्ज़। वॉइस कॉल की अगर बात करूँ तो 5 इंची का वॉइस कॉल इसके अंदर यूज़ किया गया है। स्पीकर का वेट 24 kg। पूरा स्पेसिफिकेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। पूरा स्पेसिफिकेशन अगर मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में बेस के लिए यूज़ करेंगे यही वाले स्पीकर पी ऑडियो का GST 1500। और बात करूँ इसके प्राइस की तो एक एक स्पीकर का प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लगभग 18000 के करीब करीब एक स्पीकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर बेस का कैबिनेट की, क्योंकि यहाँ पर बेस का स्पीकर जो है काफ़ी हेवी स्पीकर है, तो आप यहाँ पर कोई भी बेस का कैबिनेट में ही आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आप यहाँ पर कोई भी रिवर्स बेस का कैबिनेट यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहे तो जो टीबिन वाले बेस आते हैं वो वाले यूज़ कर सकते हो, जो पोप वाले आते हैं पोप का LD18 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो कर्व बेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका स्पीकर हेवी है इसलिए आप कोई भी हेवी से हेवी कैबिनेट आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर JBL वाले बेस का ही प्राइस ऐड कर रहा हूँ। JBL वाले दो बेस आपको लगभग 15000 से 18000 के करीब करीब मिल जाएगा कैबिनेट का प्राइस। तो यहाँ पर मैं JBL का SRX 718S मॉडल का दो कैबिनेट का प्राइस मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 15000 रुपये। तो बेस के कैबिनेट का प्राइस 15000 रुपये, साथ में 18000 के दो स्पीकर अगर टोटल करते हैं तो यहाँ पर प्राइस निकल के सामने आता है 51000 रुपये। 51000 में आपका बेस जो कि रेडी हो जाएगा 1500 वाट का दो बेस। हालांकि यहाँ पर 1500 वाट AES में आता है, लेकिन लगभग ये 1500 वाट के करीब करीब ही आउटपुट आपको देगा। ठीक है, 51000 में आपका दो बेस रेडी हो जाएगा फुल कंप्लीट। चलिए अभी टॉप के लिए बात करते हैं। तो टॉप के लिए आप यहाँ पर स्पीकर ले सकते हो पी ऑडियो का ही GST 15500 जो कि एक GST सीरीज का ही 15 इंची में 500 वाट का स्पीकर है, वो वाला स्पीकर आप यूज़ कर सकते हो टॉप के लिए। और आपको अगर ये स्पीकर नहीं मिलता स्टॉक में, अगर नहीं रहता है, तो आप पी ऑडियो का दूसरा स्पीकर पी ऑडियो का 15BM 500B जो स्पीकर आता है वो वाला स्पीकर भी आप यूज़ कर सकते हो। ये स्पीकर भी आप यूज़ कर सकते हो और ये भी स्पीकर पी ऑडियो की तरफ से ही आता है, सिर्फ मॉडल नंबर इसका अलग है और ये वाला स्टॉक में रहता है ज़्यादातर टाइम। ये स्पीकर की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर स्पीकर 15 इंची में आता है, 500 वाट के AES पावर का स्पीकर है। नॉमिनल इम्पीडेंस आपको 8 ओम्स का मिलता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 45 हर्ट्ज़ से 3500 हर्ट्ज़। बात करूँ अगर यहाँ पर वॉइस कॉइल की तो 3.25 इंची का वॉइस कॉइल भी है आपको इसमें मिलेगा। स्पीकर का वेट 10 kg के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, 10 kg 200 ग्राम। और वैसे ही पूरा स्पेसिफिकेशन आप लोगों को डिस्प्ले में दिख रहा होगा, आप लोग पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ से ही देख सकते हो। बात करूँ अगर स्पीकर के प्राइस तो एक पीस लगभग आपको 7500 में मिलता है। पी ऑडियो का 500 वाट का ये स्पीकर आपको एक पीस का प्राइस लगभग 7500 करके मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को चाहिए होगा दो टॉप के लिए 4 पीस स्पीकर, और 4 पीस स्पीकर का प्राइस आपका हो जाएगा 30000 रुपये। और अभी आपको लेना है दो HF दो नेटवर्क। तो यहाँ पर HF कितने वाट का लेना है, HF आपको लेना होगा 100 वाट का HF। आप चाहे तो पी ऑडियो का भी ले सकते हैं, पी ऑडियो का दो HF ले लीजिएगा 100 या फिर 120 वाट का। तो बात करूँ अगर यहाँ पर 100 या फिर 120 वाट के पी ऑडियो के HF का प्राइस, तो लगभग आपको एक पीस का प्राइस लगभग आपको 4 से 5000 रुपये के करीब करीब मिलता है। दो पीस आपको लेना होगा, और साथ में आपको लेना होगा पी ऑडियो HF का जो नेटवर्क होता है, जो पैसिव नेटवर्क किट होता है वो आपको लेना है। तो उसका भी प्राइस लगभग HF और नेटवर्क मिलाकर आपको 12000 रुपये लगभग लग जाएंगे।
एच एफ और नेटवर्क आपको मिल जाएगा लगभग लगभग 12,000 रुपये में, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। तो टॉप के लिए स्पीकर्स हो गए और एच एफ और नेटवर्क किट तो हो गए। अभी चाहिए होगा टॉप के लिए कैबिनेट, तो कैबिनेट आप यहाँ पर JBL का 725 मॉडल ही ले सकते हो, वो वाला मार्केट में काफ़ी अच्छा चलता है। और बात करूँ अगर प्राइस की, तो एक PR का मतलब दो पीस का कैबिनेट का प्राइस आपको लगभग 13,000 करके पड़ता है। तो आप लोगों को दो कैबिनेट ले लेना है टॉप के लिए, JBL का SRX 725 मॉडल। और यहाँ पर टॉप का प्राइस कितना हुआ, तो कैबिनेट का प्राइस 13,000 रुपये, साथ में चार स्पीकर 500 वाट के चार स्पीकर का प्राइस था 30,000 रुपये, और यहाँ पर 12,000 रुपये में आपका HF और नेटवर्क प्लेट। तो यहाँ पर टोटल निकाले तो स्पीकर, HF और कैबिनेट को मिलाकर तो आपका यहाँ पर प्राइस हो गया है 55,000 रुपये। 55,000 रुपये में आपका दो टॉप रेडी हो जाएगा 500 वाट के स्पीकर के साथ, HF के साथ, ठीक है। अभी चलिए दिखाता हूँ आपको एम्पलीफायर। तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो मैं ऐड किया हूँ इस वीडियो में, स्टेंजर का SPV5 के एम्पलीफायर, जो एकदम रफ एंड टफ यूज़ के लिए होता है, कम वोल्टेज में भी अच्छा चलता है, ज़्यादा लोड देने पर भी अच्छा चलता है, एकदम मस्त एम्पलीफायर है स्टेंजर का SPV5 के। और SPV सीरीज तो भाई मस्त है, और स्टेंजर के सारे एम्पलीफायर में ही आप ज़्यादा लोड देने पर भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो इस सेटअप के लिए आप स्टेंजर का SPV5 के एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा कोई 5,000 वाट का एम्पलीफायर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मैं ये वाला एम्पलीफायर ही ऐड किया हूँ। बात करें अगर इसका प्राइस की, तो ये एम्पलीफायर आपको लगभग 38,000 के करीब करीब आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको एक स्टेबिलाइजर भी लेना होगा, क्योंकि सेटअप काफ़ी अच्छा है, 5,000 वाट का एक एम्पलीफायर लगा रहे हो, तो इसके साथ एक स्टेबिलाइजर भी लगा लो, क्योंकि वोल्टेज का कम ज़्यादा के कारण कभी कभी एम्पलीफायर में खराबी हो जाता है। तो आप स्टेबिलाइजर भी लगा लेना, एक 5 KVA का स्टेबिलाइजर ही लगा लेना, उससे ही चल जाएगा, लगभग आपको 10,000 के अंडर ही आपको मिल जाएगा। और एक मिक्सर चाहिए होगा, सेटअप को आप ऐसे नहीं चला सकते, एक मिक्सर आपको लगा लेना है। तो आप यहाँ पर कोई भी मिनी मिक्सर ले सकते हो, 5,000 में काफ़ी छोटे छोटे मिनी मिक्सर भी आ जाते हैं, सेटअप काफ़ी अच्छे से आप उसमें ही चला सकते हो। तो ऐसे कोई भी मिनी मिक्सर आप ले लो, 5,000 में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी करते हैं टोटल प्राइस, देन उसके बाद मैं आप लोगों को कनेक्शन भी छोटे से तरीके से आप लोगों को दिखा दूंगा कनेक्शन, ठीक है। तो चलिए करते हैं टोटल प्राइस। तो टॉप का प्राइस हुआ था यहाँ पर 55,000 रुपये, जो बेस रेडी हुआ था बेस का प्राइस था 51,000 रुपये, साथ में आपका 38,000 का एक एम्पलीफायर, 10,000 के अंदर आपको एक स्टेबिलाइजर मिल जाएगा, और 5,000 में आपको एक मिक्सर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेटअप का प्राइस हो गया है 1,59,000 रुपये। तो यहाँ पर 1,60,000 भी आप पकड़ सकते हो, पूरा सेटअप का प्राइस 1,60,000 रुपये, आपको 5,000 वाट का DA सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करूँ अगर कनेक्शन की, तो आप यहाँ पर ओम मैचिंग करके कनेक्शन कर सकते हो, एक चैनल पर आप दो बेस लगा सकते हो, एक चैनल पर आप दो टॉप चला सकते हो, या फिर एक चैनल में ही एक टॉप एक बेस चला सकते हो, दूसरे चैनल पर दूसरा टॉप दूसरा बेस भी चला सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा एक चैनल पर दो बेस, एक चैनल पर दो टॉप करके ही आप चलाइए, तो आपके लिए एम्पलीफायर में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ओम मैचिंग करके चलाएंगे तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आएगा, और एम्पलीफायर भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो, 1,60,000 में आप लोगों को काफ़ी अच्छा सा एक 5,000 वाट का DA सेटअप मैंने दिखाया है। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।